गोरी उड़ियार गांव में अतिवृष्टि के कारण एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना के वक्त महिला घर में ही थी। सौभाग्य से महिला व गौशाले में बंधे पशु बाल बाल बच गए। प्रभावित महिला ने अन्यत्र शरण ले ली है। ग्राम प्रधान दिनेश पांडे ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण मंजू देवी पत्नी स्वर्गीय आनंद वल्लभ पांडे का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। महिला अकेली ही घर पर रहती है। ग्राम प्रधान ने बताया कि महिला निराश्रित व बेहद गरीब है। इस घटना में मंजू देवी का घरेलू सामान भी दब गया है। ग्राम प्रधान सहित अन्य ग्रामीणों ने प्रभावित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। तुम करिया इधर सरकार में भी सारा है कि मैं दुए महिला से मेरे थोड़ा थोड़ा जानी कोई ना चलती कर दू मेरे गोठा गोठ मरनी बेतरा बेतर मरनी जिला करो मेरा सरकार सहायता करो मेरे करनी कोई ना मेरा सपोर्ट देनी कोई ना मेरी मदद करो मेरी कुड़े दस रहे मैं समान बर्बाद रहे भैर भैर भी जो बेतरा बेतर भी जो कर भगवान नारायण मेरा सरकार सपोर्ट करना चाहूँ। आज एक सुबह 9:30 बजे के करीब रोज लगातार जो बारिश हो रही थी, एक असहाय महिला जिसका कोई मतलब न पति है न बच्चे हैं, उसका एक मकान टूट गया है, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। उस महिला के रहने के लिए भी कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो हमने अभी वर्तमान में कहीं पर उसको एक कमरा किराए पर लेके जो है उसको रखा है अपने निजी संसाधनों से, और हम सोच रहे हैं कि उसको तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए। और उसका मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, उसका कोई करने वाला नहीं है, महिला असहाय है और गरीब महिला है। ये ग्राम पंचायत प्रकोट है, महिला का नाम है मंजू देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय आनंद वल्लभ पांडे। सामान दबने से पहले थोड़ा बहुत दबा था, बाकी सारा सामान निकाल दिया गया है। वो भी जान बच गई है, क्योंकि वो सुबह 9:30 बजे सभी लोग जागे थे, तो अचानक सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए। गाँव के सारे लोगों ने उसकी मदद कर सामान बाहर रखा, और उसके गोठ में जो भैंस थे वो भैंसों को भी निकाल कर बाहर धूप में अभी बांधे थे। दिन भर में हम वहीं पर थे, तो दिन अभी उन भैंसों की व्यवस्था करने के लिए नहीं हो पाई है। प्रशासन को पटवारी महोदय जी आकर उन्होंने मौका मुआयना कर लिया है, और प्रशासन से ये कहते हैं कि उनकी मतलब अति शीघ्र उनको मुआवजा देकर या उनके मकान बनाने की, असहाय महिला है जिसको मकान बनाने के लिए भी उसको जनता की मतलब ज़रूरत होगी, लोगों की ज़रूरत होगी, तो ऐसा भी वो कर पाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि गरीब महिला है, कोई उसका करने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उस महिला के लिए कोई ऐसा मकान की व्यवस्था की जाए या कुछ इस तरीके से व्यवस्था कर दी जाए। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।